नमस्कार। एक बहुत ही रेगुलर सेंटेंस हमारे जीवन का ये होता है कि भगवान हमें तीन लोगों से बचा के रखे, सफेद कोट वाले डॉक्टर से, काले कोट वाले वकील से और खाकी धारी पुलिस अफसर से। लोगों को डॉक्टरों से डर लगता है, पुलिस ऑफिसरों से डर लगता है और वकीलों से घृणा है। और इसमें कहने लायक बात यह भी है कि जो वकील हैं उन्हें दूसरे दोनों से भी काफी परेशानी होती है। वो भी नहीं चाहते कि डॉक्टर के पास जाएं, जो डॉक्टर हैं वो भी नहीं चाहते कि वकील के पास आएं। तो इस वीडियो के जरिए जो वकील वाला, जो काले कोट वाला जो प्रश्न है उसका कुछ समाधान आपको देंगे। न्याय से डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कानून से डरने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। डॉक्टरों का मैं जानता नहीं हूं ज्यादा, मुझे डॉक्टरों से डर लगता है और उसकी वजह यह है कि मुझे लगता है कि मेरा ठीक से इलाज नहीं किया जाएगा। जो इलाज है उसको छोड़ के बहुत सारे अलग इलाज भी किए जाएंगे, बहुत मेरे पैसे खर्चे होंगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है और क्या यह सब जरूरी था। कानून के साथ भी कुछ ऐसे ही प्रश्न उठते हैं सबके दिलों में। अगर कुछ वारदात हुई, कोई बात हुई तो लोग जानते नहीं है या चाहते नहीं है कि वो पुलिस थाने जाएं, गुहार लगाएं, इसलिए काफी अन्याय को सह लेते हैं, कानून का साथ नहीं ले पाते, कानून को संग नहीं रख पाते। इस वीडियो के जरिए, छोटे से वीडियो के जरिए आपको एक नुस्खा देंगे, एक प्रिस्क्रिप्शन देंगे जिसका आप इस्तेमाल तब कीजिएगा जब आपको वाकई में लगता है कि आपको कानून की सहायता की आवश्यकता है और आपको मिल नहीं रही है। यू वॉन्ट हेल्प फ्रॉम लॉ एंड यूर हेल्पलेस। इन परिस्थितियों में एक ऐसा निवारण जो राम बाण निवारण है। मान लीजिए कुछ ऐसी घटना घटी जिसके चलते आपको ठेस पहुंची, नुकसान हुआ, चोट पहुंची और आप पुलिस स्टेशन गए और पुलिस स्टेशन में आपकी शिकायत को दर्ज नहीं किया गया। Not filing an FIR upon your complaint. इस पे गूगल पे बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं, जजमेंट्स हैं, गाइडलाइंस हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही विख्यात मशहूर गाइडलाइन दिया है इन द केस कुमारी, ललिता कुमारी गाइडलाइंस फॉर FIR। इस पे गौर फरमाइएगा। लेकिन मेरा यह मानना है काफी लोग भारत में एजुकेटेड होने के बावजूद भयभीत हैं, लाचार हैं, फ्रस्ट्रेटेड हैं, पुलिस स्टेशन जाने के नाम से या तो उनको घृणा होती है या डर लगता है और अगर जाते हैं तो निराश वापस लौटते हैं, हताश वापस लौटते हैं और इससे इस इमेज को और भी बढ़ावा मिलता है। मैं आपको समझाऊंगा इन परिस्थितियों में आपको क्या करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि संविधान के लेखकों ने इस परिस्थिति के बारे में नहीं सोचा है, सोचा है। अगर पुलिसकर्मी FIR दर्ज नहीं करते तो इसके बाद क्या करना चाहिए ये आपको इंटरनेट के जरिए पता चल जाएगा। लेकिन मैं एक ऐसा कोई उपाय बताऊंगा जो शायद इंटरनेट में ढूंढ निकालना आसान नहीं है। आप ओरली मौखिक रूप से मजिस्ट्रेट साहब से शिकायत कर सकते हैं। ये शायद कहीं वकील भी इस बात से वाकिफ नहीं है। आप पुलिस स्टेशन जाते हैं, FIR दर्ज नहीं होता है, आप निराश वापस लौटते हैं। आप शायद अगले कदम पे SP साहब के पास जाएंगे अगर आप रूरल एरिया में हैं, या कमिश्नर लेवल पुलिस और ACP DCP साहब के पास जाएंगे या कमिश्नर साहब के पास जाएंगे और फिर भी अगर FIR रजिस्टर नहीं होता है तो आपके पास एक उपचार है। इनफैक्ट अगर आप पुलिस स्टेशन गए और वहां पे FIR दर्ज नहीं हुआ तो कानून का एक ऐसा प्रोविजन, एक ऐसा प्रावधान है जिसके जरिए आपको दोबारा पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं है, सीधा मजिस्ट्रेट साहब के पास जाइए। ये कौन सा प्रोविजन है? काफी वकील लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो लॉ कॉलेज की याद आपको दिलाते हैं। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 इन द डेफिनेशन क्लॉजेस ऑफ सेक्शन 2D डी फॉर डेविड कंप्लेंट, शिकायत क्या है और किस माध्यम से शिकायत आप मजिस्ट्रेट साहब तक पहुंचाएंगे। कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू मजिस्ट्रेट, और यहां पे बात समाप्त। आगे मैं जाने की चेष्टा नहीं करता क्योंकि इतना काफी है।
कंप्लेन मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू मैजिस्ट्रेट. आपको कानून के सारे दाव पेज आए ऐसा जरूरी नहीं है. हमारे संविधान के लेखकों को पता है कि कानून के हर दाव पेज को समझना जानना जरूरी नहीं है. इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने अधिकारों का संरक्षण नहीं कर पाएंगे. मजिस्ट्रेट साहब के पास पावर्स होते हैं कि आपके मौखिक ओरल कंप्लेंट को सुने और वे स्वयं लिखेंगे कि उनकी क्या राय है आपके कंप्लेंट के सिलसिले में. हाँ, लिखित रूप में अगर है तो आसानी रहती है. लिखित रूप में अगर है तो मजिस्ट्रेट साहब को आपको एग्जामिन करने की शायद जरूरत ना पड़े. लेकिन अगर आप लिखने में सक्षम नहीं हैं या आप किसी को जानते हैं जो लिखने में सक्षम नहीं है तो आप स्वयं जाकर या उनको साथ ले जाकर मौखिक रूप से मजिस्ट्रेट साहब को कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं. कैसे कैसे इज द बिगेस्ट क्वेश्चन, क्योंकि लोगों को कैसे से डर लगता है, क्यों से डर नहीं लगता, कहां से शायद डर नहीं लगता, कैसे से डर लगता है, क्योंकि यहां पे प्रक्रिया, प्रोसीजर, पेपर्स, इससे सब लोग डरते हैं. वकील लोग भी डरते हैं, मैं भी डरता हूं. मुझे कभी कभी खुद समझ में नहीं आता कि अगर इस पर्टिकुलर मजिस्ट्रेट साहब के पास जाएं तो उस लोकल कोर्ट के प्रोसीजर्स क्या हैं. लेकिन जैसे मैं वाकिफ हूं, परिचित हूं, वैसे आपको भी वाकिफ और परिचित करा रहा हूं. मौखिक रूप से, ओरल रूप से आप कंप्लेंट दे सकते हैं. अभी कैसे होगा, आपने जाना है सुबह सवेरे 9:30-10 बजे करीब सीधा मजिस्ट्रेट साहब के कोर्ट में. जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कहलाए जाते हैं इन सिटीज. मजिस्ट्रेट आई थिंक मुंसिफ मजिस्ट्रेट कहलाए जाते हैं कहीं अदर दूसरे ज्यूरिसडिक्शंस में. बट मजिस्ट्रेट जहां पे आपको दिख गए वहां पे आप पहुंचिए पहले. वहां पे पहुंचने के बाद उस दिन की दिनचर्या में जज साहब के प्रवेश होने के पहले आप कैसे का उत्तर मैं दे रहा हूं. आप कोर्ट जाएंगे, कपड़े ढंग का पहनिएगा, कहीं भी इधर उधर बात करने की जरूरत नहीं है, किसी से राय लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितने वकील उतनी राय. 2D ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत कंप्लेंट क्या है ये मजिस्ट्रेट साहब जानते हैं. आप सीधा जाएं, दिनचर्या स्टार्ट करने के पहले कुछ ऐसे क्षण होते हैं जहां पे मजिस्ट्रेट साहब मौजूद रहते हैं हर वकील से पब्लिक तौर पे बात करने के लिए. कोर्ट में, उनके चेंबर में प्रवेश ना करें, कोर्ट में, पब्लिक कोर्ट में जब वो आसन ग्रहण करते हैं तब आप वहां पे बिल्कुल सामने खड़े हो सके, होके कह सकते हैं कि हम कंप्लेंट करने आए हैं. इतना काफी है. आदर और सम्मान के साथ बात कीजिएगा, उससे ज्यादा कोई जरूरत आपसे उम्मीद कोई रखता नहीं है कि एक ऐसी शैली हो या एक ऐसी शैली हो. आप हिंदी में बात कर सकते हैं जहां जिस भाषा का प्रयोग आपके स्टेट में, आपके उस कोर्ट में होता है, उस भाषा में आप बात कर सकते हैं और कह सकते हैं कि आपको शिकायत है. ये पॉसिबल है कि मजिस्ट्रेट आपसे पूछें कि आपका वकील किधर है, तो आप सीधे रूप से कह सकते हैं कि मेरे पास वकील नहीं है, तो शायद वो आपको एक वकील प्रदान करेंगे. लेकिन अगर आप कहते हैं कि हम कंप्लेन कराने आए हैं तो आप हमें सुन लीजिए, तो सुनने की जिम्मेदारी उनकी है, उन पे दायित्व है. सेक्शन 200, सेक्शन 200 के चलते आशा है कि वो आपकी, आपको समय देंगे, वक्त देंगे या डेट देंगे जिसपे वो आपको फिर हाजिर करेंगे. वो फिर भी चाहेंगे कि आप वकील के साथ आए, क्योंकि वो जानते हैं कि वकील बातों को शायद कानून के ढांचे में ढालकर समझा पाएगा. लेकिन अगर आप दृढ़ निश्चय के साथ कहते हैं कि मैं वकील कर नहीं सकता या करना नहीं चाहता, लेकिन मैं कंप्लेंट करना चाहता हूं, तो आपकी कंप्लेंट को स्वीकार किया जाएगा. यदि आप गलत कोर्ट में पहुंचे हैं, इफ यू हैव रीच्ड द रॉन्ग कोर्ट, तो फिर जज साहब आपको सही कोर्ट तक पहुंचाएंगे. कानून के एक प्रोविजन के तहत आपके कंप्लेंट को उनकी जिम्मेदारी है कि वो आपको बताएं कि किस कोर्ट में आपको जाना है. और अगर वो आपके कंप्लेंट को सुनते हैं तो वो स्वयं उसे लिखित रूप में आगे बढ़ाएंगे. इसका मतलब ये नहीं है कि कंप्लेंट पे अमल होगा. अगर आपके कंप्लेंट में दम नहीं है या अगर जज साहब को लगता है आप झूठ बोल रहे हैं या इसमें कोई क्रिमिनल ऑफेंस दिख नहीं रहा है, तो शायद वो कंप्लेंट को आगे बढ़ाएंगे नहीं. लेकिन अगर कुछ संगीन जुर्म हुआ, वाकई में आपके अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो मजिस्ट्रेट साहब स्वयं आपके मौखिक शिकायत को लिखित रूप में कन्वर्ट करेंगे और इंक्वायरी वहीं से स्टार्ट होगी. उसके बाद अगर कोई संगीन जुर्म का खुलासा होता है तो आपकी जिम्मेदारी वहां पे खत्म. ऐसे कौन से
जुर्म है, ऐसे कौन से संगीन जुर्म है जहां पे ये जिसका प्रयोग आप शायद कर पाएंगे। मान लीजिए किसी ने घर के अंदर आके आपके ऊपर आक्रमण किया, आपके परिवार के सदस्य को घायल किया या आपको घायल किया, और आप अगर पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहां पे अगर शिकायत दर्ज नहीं होती तो अगले दिन आप इस वीडियो में कहीं बातों के जरिए मौके कंप्लेंट करा सकते हैं और जज साहब कंप्लेंट लिखेंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट है। मान लीजिए आपके सदस्य के किसी महिला के साथ छेड़छाड़ हो रही है या हुई, और अगर पुलिस वालों ने FIR करने से मना किया तो आप ये रुख अपना सकते हैं, ये रास्ता चुन सकते हैं। यहां तक कि मान लीजिए कि आपने आपको कोई सता रहा है, कोई परेशान कर रहा है, मान लीजिए आए दिन बैंकों के रिकवरी एजेंट्स ऐसी हरकतें करते हैं, रात को घर पे आ जाते हैं, बदतमीजी करते हैं, और पुलिस अगर FIR लिखने से कतराती है तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये एक ऐसा अस्त्र है जिसका प्रयोग मैं आशा करता हूं कि आप उचित रूप से करेंगे, और तभी करेंगे जब इसकी जरूरत पड़ेगी। इसका दुरुपयोग मत कीजिएगा। अगर पड़ोसी ने बालकनी में से आपको गाली दे दी और आपको इसका दुख हुआ तो प्लीज इसको लेके मजिस्ट्रेट के पास मत जाइएगा, क्योंकि उनके पास दूसरे बहुत काम है। संगीन जुर्म, ऐसे जुर्म जो सबको लगे कि संगीन है, इस पे FIR होना चाहिए, वैसे जुर्मों को आप मौखिक रूप से भी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। टेक अवेज फॉर यू, ध्यान करने लायक बात है, डेफिनेशन ऑफ कंप्लेंट जो Section 2D में है CRPC क्रिमिनल कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, और Section 200 जो ये पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट रूप से वर्णन करता है। थैंक यू, आई होप दिस वीडियो will be useful to you at some point in your life. Thank you.